नशीन लड़की हूं तो आपसे इस तरह मिल नहीं सकती, तो मैं अपनी सहेली के भाई को भेज रही हूं, तो वो आपको मोटरसाइकिल पे मेरे पास लेके आ जाएगा। इनकी आंखों पे इश्क की पूरी पट्टी बंधी हुई है और ये अपने उस जेनेटिक कोड के तहत सफर कर रहे हैं। आगे एक लड़का आएगा, खुद से नहीं जाते मतलब जी, बस सादगी सादगी ठीक है, और महरूमियां जी एग्जैक्टली, इसमें महरूमी, सही वर्ड यूज, महरूमी का आंसर भी है जी। अच्छा, क्योंकि उसी महरूमी के गैप को फिलअप करने के लिए ये जा रहे हैं। आगे से वो लड़का आएगा, मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाएगा, पीछे बिठाते हुए अब वो किसी मकान में ले जाएगा या किसी आगे वीरान रस्ते में ले जाएगा, और इसने नहीं देखना कि ये बंदा कौन है और मैं किधर जा रहा हूँ। आगे एक जगह पे फिर वो गन्स वाले आ जाएंगे, वो यहाँ पे बैरल रखेंगे और कहेंगे आ जाए जनाब। आफ्ताब साहब, अभी आपने ये हनी ट्रैप की जो मिसाल दी, ये हनी ट्रैप ये वो है जो सादा लो शख्स कह लें या वो महरूम जी उनकी बात कर लें, अब हनी ट्रैप में बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाली बात के पढ़े लिखे लोग जो हनी ट्रैप हो रहे हैं और फिर कई पावरफुल पर्सनालिटीज, वो मिसाल भी देता हूँ, वो ज्यादा जो तबका है वो कौन सा इससे इफेक्ट हो रहा है? कौन सा तबका मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ज्यादा तबका कौन सा है, एलीट है या फिर नॉर्मल? इसमें एक गरीब बाबर्ची से लेके सीनियर ब्रोकरेट तक तमाम टारगेट हो रहे हैं। रिसेंटली एक सीनियर ब्रोकरेट, एक खातून ने उन्हें हनी ट्रैप किया, वो उनको लेके जिमखाना चले गए, सही, जिमखाना जाके रेड लाइन क्रॉस की, सही, क्रॉस करने के बाद बीबी ने खप डाल दिया, उसने कहा आपने तो मेरी इज्जत, जी ठीक है जी। तो उसके बाद इन्होंने और उस बीबी ने पर्चा करवा दिया, FIR करवा दी। FIR करवाने के बाद उन्होंने रोला डाला तो खैर वो पता चला कि इससे पहले भी कई सीनियर अफसरों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ले चुकी है, और इस दफा इस खातून का उनसे मुतालबा 3 करोड़ रुपए का था कि अदरवाइज मैं मुकदमे से बैठूंगी नहीं। और एसपी साहब, इस केस में हनी ट्रैप जो हो रहे हैं वो मतलब एक किसी जानने वाले के झांसे में आ रहे हैं ना, कोई ताल्लुक मतलब पुराना था तो वो आप मुलाकात के लिए चले? नहीं, यहाँ पे पुराना ताल्लुक नहीं है, फोन कॉल पे भी जा सकते हैं, फोन कॉल पे देखें, टेक्स्टिंग पुलिस अफसर को कैसे किया जाएगा, ये एक सीनियर सिविल सर्विस ऑफिसर को कैसे किया जाएगा, सही, एक खातून आएगी किसी एप्लीकेंट के रूप में, ठीक या किसी अपने मसले में, या इवन सोशल वर्कर के गाइज में भी आ सकती है, सही, और आके उसके बाद वो उस अफसर को पढ़ेगी कि ये अगर अफसर बड़ा ही खुश्क है कि जी बेबी बताइए, मेरी बहन बताइए क्या इशू है, तो कहेगी कि नहीं नहीं ये प्रॉपर टारगेट नहीं है, सही है, यहाँ पे मुझे कुछ शुगर डैडी किस्म का टारगेट चाहिए, सही है, ठीक, तो वहां पे उसको वो कार्ड देगी, कार्ड देने के बाद टेलीफोन बात, और फिर उसके बाद ये समझेगा कि शायद बिल्कुल अब हम एक एतमाद वाली लाइन पे आ चुके हैं, लेकिन एतमाद वाली लाइन पे नहीं आ चुके। आफ्ताब साहब ये भी बताइएगा कि हनी ट्रैप में अभी तक जो बता रहे हैं आप, खवातीन कॉल करती हैं, क्या कोई मर्द भी हनी ट्रैप में खवातीन को कॉल करके इसका हिस्सा बनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इट इज ऑलवेज टू वे जी, घरों से जो लड़कियां भाग जाती हैं उनको मर्द हनी ट्रैप कर रहे हैं, और उसके बाद वो समझती हैं कि आप हम शादी करने जा रही हैं, शादी करने नहीं जा रही, मैं उन बच्चियों को मैसेज देना चाहूंगा, आप शादी करने नहीं जा रही, आप अपना फ्यूचर तबाह करने जा रही हैं। बहुत खूबसूरत बात करें, इतना वो मुखलिस हो तो अपने माँ बाप को आपके घर भेजे और आपका रिश्ता मांगे। अब ये कि ये उस हनी ट्रैप पे अब हनी ट्रैप करने वाला लड़का है और टारगेट कौन है? लड़की है, वो उसको ले जाएगा, ले जाने के बाद उसका इस्तेहसाल करेगा, उसकी वीडियोस बनेगी और उस वीडियोस उनको दिखाई जाएंगी कि अब ये वीडियोस हम आपके वालदैन को भेजेंगे, जिसकी वजह से वो लड़की प्रेफर करती है कि वालदैन के पास जाने की बजाय आप इनके इशारों पे चले, और ये उसके बाद उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा गैंग हम पकड़ चुके हैं, CIA में पकड़ चुके हैं कि जिन्होंने इस लड़कियों को इस्तेहसाल किया और उसके बाद उनको प्रोस्टिट्यूशन पे डाल दिया। आपको विजिलेंट रहना चाहिए, बिल्कुल। अब खुदा ना खास्ता कोई आ गया जनाब झांसे में, उसके साथ फ्रॉड हो गया, वेदर इट इज हनी ट्रैप और मनी ट्रैप, उसके बाद बजाय कि वो फर्दर एक लंबे अरसे तक एक्सप्लॉइट होते रहे, पहले ही हादसे के बाद वाके के बाद क्या होनी चाहिए गाइडलाइन की, क्या करना चाहिए? दो चीजें आपको करने की जरूरत है, चाहे ये हनी ट्रैप है ये मनी ट्रैप है, जो आपके करीबी तरीन आपके लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, फौरी तौर पे उसको एतमाद में ले लें। सही, लड़की है तो अपनी माँ को एतमाद में ले ले, वो आपके दुश्मन नहीं हो सकते, ठीक, वो आपसे तजर्बे में बड़ा ज्यादा है, एक्सपीरियंस में ज्यादा है, और फिर वो इस डर्टी गेम का हिस्सा नहीं है, एग्जैक्टली, उनको बड़ी बेहतर समझ आ जाएगी। कोई फर्ज करें आप समझते हैं कि नहीं मैं नहीं बता सकता किसी को, प्लीज फौरी तौर पर पुलिस को बताइए,
पुलिस में, आप किसी सीनियर अफसर को बताइए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी जूनियर, आप एसपी साहब किसी के पास चले जाइए, आप डीएसपी साहब के पास चले जाइए और उन्हें एतमाद से बताइए कि जी मैं इस जंगल में फंस गया हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। पुलिस आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, पुलिस इज़ योर फ्रेंड। इक्का दुक्का वाकयात की बुना पे हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि पुलिस बुरी है। एक काली भेड़ की वजह से पूरा महकमा खराब नहीं हो सकता। इस वक्त आप, हम यहाँ पे जो सुकून से बैठे हैं, हम अपने घरों में सुकून से बैठे हैं, हम पुलिस की वजह से बैठे हैं। तो पुलिस को अपने दोस्त के तौर पे लीजिए और फौरी तौर पे पुलिस को इतला दीजिए, फिर आप देखिए कि वो आपको हनी ट्रैप करने वाला या मनी ट्रैप करने वाला वो आगे आगे होगा और पुलिस उसके पीछे पीछे होगी और दूसरे लोग उस जंगल से बच सकेंगे। सही जी। तो उसके बाद जो है वो बहुत खतरनाक सिचुएशन से आप महफूज रह सकते हैं। बहुत जबरदस्त आपने बात की खवातीन के हवाले से भी, मर्दों के हवाले से भी, और बहुत शुक्रिया आपका आफताब साहब। ऐसे होनहार और ऐसे अच्छे और ऑनेस्ट जो पुलिस ऑफिसर है ना, उनकी हमें बहुत जरूरत है, जो आए और बताए।